प्रीलिम्स पेपर 2023, चाहे जीएस और सीसेट, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था वो अनएक्सपेक्टेशन। एक तो वो 2 घंटे का शॉक, प्लस जो पैर्स में जो उसने ऑप्शंस दिए हैं, और यह पेपर को क्वाइट टफ बना देता है। और यह कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी, कट ऑफ आपको सरप्राइज कर दे, पहले तो जीएस वन की वजह से, फिर सीसेट की वजह से, जहां जो स्टूडेंट्स अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं, दे माइट फेस डिफिकल्टी इन पेपर टू। ये तो रहा रिव्यू। इस कंटेक्स्ट में जिनके भी 50-60 मार्क्स हैं, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज नहीं होगा तब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, होगा तो 15 टू 20 डेज वेस्ट हो जाएंगे। बिकॉज यूपीएससी का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उस कंटेक्स्ट में यूपीएससी 15 टू 20 डेज में दे मे डिक्लेयर रिजल्ट फॉर द प्रीलिम्स, चाहे पास्ट ईयर 22 का प्रीलिम्स का रिकॉर्ड या अभी एनडीए और सीडीएस का रिकॉर्ड रहा हो। रही आंसर की और एक्सप्लेनेशन की बात, तो वो तो आप समझ के सुन ही रहे हो। इस कंटेक्स्ट में द कोर के द्वारा नीचे डिस्क्रिप्शन है, इसका आंसर कौन सा और क्यों आंसर स्टेटमेंट के साथ शेयर कर दिया गया, और रेफरेंस भी है जहां पर जिन क्वेश्चंस में डाउट है, और जिन क्वेश्चन में डाउट है वहां पर लिख दिया गया वो डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो सी अपहिवल का है, इसका आंसर जो है जल्दी हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन कम्युनिटी रिजर्व का, जो आई ऑल्सो आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, 7 years इन द सर्विस इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ही इज ऑल्सो क्वाइट कंफ्यूज्ड आंसर क्या होगा, ओनली वन पैर और ओनली टू पैर, नो वन कैन किल, वो तो सही है, बट एग्रीकल्चर टिम्बर प्लस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गलत है। तो इस कंटेक्स्ट में कंफ्यूजन है एग्रीकल्चर लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड पर अलाउ होना चाहिए अगर हम कॉमन थॉट लगाते हैं कि वह है कम्युनिटी ग्राम सभा के पास, तो ओनली टू पैर। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में डाउट ऑलरेडी लिख दिया गया है, तो यह आप जो है देख सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके नोट से कितना आया है, तो वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो दो प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हमने जो ज्योग्राफी के वीडियो डाले हैं उनसे क्वेश्चन है, प्लस अफ्रीका की मैपिंग, ऑल्दो द कोर के द्वारा वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं किया गया था, पीडीएफ शेयर किया गया था, और उसका वीडियो जो है जो हमने क्लास में द हिंदू क्लास में करवाया है वो आपसे जल्दी साझा कर देंगे। मैपिंग सारी जब वो 80 टॉपिक्स दिए थे, और जो अफ्रीका दिया था मैपिंग उससे बाहर नहीं है, बट वी डो नॉट वॉन्ट टू गो इन दैट डिबेट अभी राइट नाउ, बिकॉज अभी रिलैक्सेशन का टाइम है, पेपर देके आप आए हो, आपको बस जस्ट जो है मार्क्स चेक करना है, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन क्वाइट कंफ्यूजिंग है, कट ऑफ कम रह सकते, सरप्राइजिंगली लो। तो अगर आपके 80 भी आ रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको तैयारी करनी है, बिकॉज ये एग्जाम पूरा थॉट प्रोसेस का है, फैक्चुअल्स जो है पूछा भी है तो वो किसी को आ नहीं रहा है, आपको थॉट प्रोसेस से वो आंसर करना होगा, बिकॉज द कोर का हमेशा से फोकस थॉट प्रोसेस पर रहा है। यह आंसर की विद एक्सप्लेनेशन प्लस हमारे यहां से क्या क्या है वो आपको पीडीएफ जो है शेयर मिल जाएगी, वी विल ऑल्सो मेक ए वीडियो फॉर दैट पार्ट, जो कभी द कोर पब्लिसिटी में उसमें जाता नहीं है, तो आप यह जो है चेक कर सकते हैं। बट वार्निंग यही रहेगी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, जस्ट 1 or 2 डे रिलैक्स। आपने अभी तक अपने मार्क्स मेंस के कईयों ने चेक कर लिए होंगे, पहली बार जो मेंस दे रहे हैं उन्हें तुरंत जो है 2-3 दिन का एनालिसिस करके वहां पर लगना होगा, पेपर 1 में कितने मार्क्स, 2 में कितने मार्क्स, 3 में कितने मार्क्स, 4 में कितने मार्क्स, आपकी ऑप्शन में क्या जो है कमियां रही है, प्लस ऐसे में क्या रहा है उसको देखते हुए वो स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रिपेयर करना, ये नहीं कि बस आपने सीधा प्रिपरेशन चालू कर दी है। आपकी लास्ट ईयर वीकनेस क्या रही है जिन्होंने मेंस दिया है, जो पहली बार दे रहे हैं वो पहले वीक आइडेंटिफाई एरिया क्या जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उसके साथ उन्हें प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। पेपर अनएक्सपेक्टेड था, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, वो आपके अकेले के लिए नहीं था, बट आपने जो है वो जो वहां कामनेस दिखाई है, कुलनेस दिखाई है, उससे आपका जो है पेपर होगा। सो
स्टे फोकस फॉर योर गोल, डोंट डाइवर्ट. अभी का जो अपहीवल है कीज का, मार्क्स का, कट ऑफ का, वो दो तीन दिन में शांत हो जाएगा. और ये दो दिन का टाइम आपके पास रिलैक्सेशन के लिए भी है. जो अभी तक आपने प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की है और उसमें जो आप पूरी तरह लगे हुए हो, तो ये दो दिन तो आपका बनता ही है एंटरटेनमेंट का. सो एंजॉय एंड रिलैक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस आफ्टर दैट. यह है मैं कहूंगा. और अगेन कह रहा हूं कि की जो है शेयर्ड है. अगर कुछ भी चेंज होता है तो जो वेब लिंक है वहां पर आंसर की में चेंज होगा और ऊपर आपको लिख दिया जाएगा इस की में आंसर में चेंज हुआ है. अदरवाइज जो डाउट के क्वेश्चन है वो ब्लैंक है या उसके दो आंसर है क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है. बट ऐसे क्वेश्चन कम ही है. ऑल्दो मैं एक और बोल देता हूँ, पल्सर स्टार का कई लोगों ने आंसर जो है ओनली वन पैर लगाया. पल्सर स्टार सही है, वो गलत है. पल्सर स्टार फास्ट रोटेटिंग होते हैं, तभी फास्ट रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, तभी वो पल्सर स्टार कहलाते हैं. तो यूपीएससी ने डेफिनेशन दी है वो ब्लैक होल की वहां दी है, न कि पल्सर स्टार की. सो गेदर योर ऑल ऑफ एनर्जी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एंड ऑल द बेस्ट.